व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वैसे तो आप लोग इसको संडे स्पेशल बोल सकते हो, पर लेकिन ये एक त्योहार स्पेशल वीडियो हो गई है आप लोग की। ठीक है, सारे त्योहार आप लोग इस वीक में जो है आप लोग कंप्लीट हो रहे हैं, तो आई होप कि अब आप लोग चीजों को थोड़ा सा आगे लेकर चलोगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे। छठ पूजा बचा हुआ है, पता है मुझे, ये मत बोलना सर छठ पूजा भूल गए। उसको कैसे बोल सकते हैं भैया, बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल, अच्छे से सेलिब्रेट करना उसको भी। पर लेकिन वही है कि अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दिन में 2-4 घंटे निकालकर 24 घंटे में से पढ़ लोगे ना, तो कुछ घिसेगा नहीं। ठीक है, और जो आज के डेट में मजे कर रहे हैं ना जिंदगी के, उनसे आगे निकल जाओगे। और यही है जिंदगी में, अपने आप को कभी भी अपने शेड्यूल से अलग नहीं हटाना है। बाकी का जो भी मजा करना है, अपनों को एंजॉय करना है, उसके लिए टाइम अलग से निकालो, ना कि पढ़ाई के टाइम में से टाइम निकालना है। ओके, तो ये रिविजन करने वाले हैं पूरे वीक का, एक जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे, जितना जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो हल्का सा उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, और स्टेट पीसीएस के अंदर रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर किस लिए ये फाइनेंस कमीशन जो होता है, वो बेसिकली मेन फंक्शन उसका क्या होता है। तो पहले बोला गया टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू का काम करता है। टू प्रिपेयर द यूनियन एनुअल बजट, दूसरा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। और टू एलोकेट फंड टू वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट, ये गवर्नमेंट। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, आप लोग इसका आंसर बताइए। तब तक फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोगों को इसका आंसर जानने को मिलेगा। ठीक है, कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को जल्दी से रिकैप कराऊं, पर लेकिन कभी भी इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो को अल्टरनेटिव नहीं समझना है, इसको सप्लीमेंट्री समझना है। अल्टरनेटिव और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, अल्टरनेटिव सप्लीमेंट्री बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि मैं आप लोगों के हाथ में रोटी दे दूं और आप लोगों के हाथ में सब्जी दे दूं अलग से। ठीक है, और बोलूं कि आप लोग रोटी खा लो तो भी आप लोगों का सब्जी का काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, रोटी और सब्जी दोनों साथ में खाओगे तभी आप लोग अच्छे से अपनी सेहत बना पाओगे। तो इसलिए बैलेंस ऐसा बनाना है कि आप लोगों की सेहत बनी रहे, और सेहत कब बनेगी, जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करोगे मतलब जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे फिर उसका रिविजन करोगे, तो रिविजन सेहत बनाने का काम करेगा, ना कि रिविजन को आप लोग बेसिकली ऑल्टरनेटिव बना लेगी, बस ये वीडियो देख लो और काम खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो रिविजन को रिविजन ही रखो, एक्सरसाइज को एक्सरसाइज ही रखो, सारी चीज अपनी जगह अच्छी लगती है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट, काफी प्यारी यहां पर ये न्यूज थी जो मैंने आप लोगों से सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कस की थी। सऊदी अरेबिया के द्वारा अभी यहां पर डिसाइड किया गया कि नेट जीरो ग्रीन हाउस जो एमिशन है वो कब तक करने वाले हैं। तो इनका टारगेट था 2060 तक का, और अभी आप लोगों को पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आई, इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया इसको 2070 में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक तो ये आप लोगों को याद रखना है। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके चलते ये रेगिस्तान में भी हरा भरा चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तरीके से सऊदी अरेबिया हमारा काफी अच्छा एनर्जी पार्टनर भी है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। तो हमारा टारगेट है 2070 तक का, सऊदी अरेबिया का है बेसिकली 2060 तक का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। और इसी के साथ में कई सारी ऐसी कंट्री है, जो कई सारे ऐसे ग्रुप भी है, जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। यूरोपियन यूनियन में पता है कितने मेंबर है आज के में, 27 मेंबर है, याद रखना, एक बाहर निकल गए यहाँ पर, अब 27 रह गए। इनके द्वारा बोला गया ग्लोबल जो मेथेन प्लीज है, मेथेन क्या होता है, इसको बोलते हैं CH4। जब यहाँ पर CO2 के बारे में आप लोग बात करते हैं तो CO2 से CH4 जो है लगभग 80 गुना ज्यादा इंपैक्ट डालती है एनवायरमेंट के ऊपर। तो यहां पर बोला गया क्यों ना डायरेक्ट नब्ज पकड़ी जाए, यानी कि डायरेक्ट CH4 को पकड़ा जाए, तो चीजों को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ये इनके द्वारा अभी यहाँ पर टारगेट स्टार्ट किया गया था। ये न्यूज मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस की थी, और ये इसलिए भी डिस्कस की थी क्योंकि ये इंसानों और जानवरों में यहाँ पर एक ही तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिली। जैसे गाय के जो बेसिकली थन बोलते हैं, इसे बेसिकली नहीं, एक तरीके से हमारी साइड में जब दूध निकालते हैं कि थन, एक तरीके से मतलब आपकी लोकल भाषा में पता नहीं क्या बोलेंगे, पर यहाँ पर जो जो गाय का जो दूध निकलता है उनको नॉर्मली थन बोला जाता है, बेसिकली जानवरों से रिलेटेड। ठीक है, तो यानी कि इनका जो दूध निकाला जाता है उस टाइम पर, ये नसें जो यहाँ पर उभरने लगती हैं, तो इसका मतलब इनमें काफी दूध हो गया। तो बाल्टी लेकर जाती है मम्मी वगैरह जब दूध निकाल के लाती है, गांव में अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो दूध निकलते हैं ऐसे ही जब बच्चा होता है, एक तरीके से आप लोगों ने भी जब बचपन में मम्मी का दूध पिया होगा, तो यहाँ पर जो दूध निकलते हैं यहाँ पर बेसिकली ये सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सारे काम कौन करता है, ये करता है मामेरी, बेसिकली ग्लांड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मामेरी यहाँ पर बोला गया एलोवेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर मामेरी ग्लांड का नाम आप लोग याद रखेगा। ये पूरा पोर्शन जो होता है वो इस तरीके से यहाँ पर बॉडी का पार्ट बना होता है, जैसे ये चेस्ट हो गई, बॉडी का ये पार्ट हो गया, इसके साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर ये, तो इसके अंदर सारे पोर्शन होते हैं। और दूध जो होता है वो जब बच्चा, आप लोगों ने बचपन में हम लोग दूध पीते थे, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग ऐसे नहीं कि आराम से बस ऐसे मुंह में पकड़ लिया तो हम लोग को बस दूध आने लगेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, बेसिकली जीभ से, मुझे तो अब भी याद है बेसिकली, मैं अपने आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने काफी लंबे समय तक दूध पिया है। ठीक है,
तो ये इसलिए देखिए आप लोग इसे, अगर आप लोगों ने देखा होगा जो जानवर होते हैं उनके बच्चे दूध पीते हैं तो यहाँ पर उसको खींचना पड़ता है हल्का सा, तो यही प्रोसीजर है। फिर वहां से दूध निकल कर आता है, सारा दूध जो यहाँ पर बनता है पूरा प्रोसीजर जो होता है यहाँ पर ये माँ मेरी ग्लांड का होता है। तो इसी में बात की जा रही है, यहाँ पर कई बार क्या होता है कई सारी बीमारी डेवलप हो जाती है, तो उसका इलाज करने के लिए अभी यहाँ पर एक जेल इनके द्वारा बनाया गया। अब जेल का फायदा क्या होता है, अगर देखिए आप लोगों के पास में ऑप्शन हो सर में दर्द हो गया, आप लोगों को सर में दर्द की गोली लेनी है और दूसरा कोई बाम वगैरह लगाना है, तो बाम वगैरह लगाना ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाम जो है वो आप लोगों की बॉडी में एंटीबायोटिक क्रिएट नहीं करेगा, वो नहीं कहते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कल को कोई भी गोली अगर आप लोग खाते हैं तो जो गोली नॉर्मल खा रहे हैं उससे आप लोगों का इलाज नहीं होगा, हाई डोज आप लोगों को लेना पड़ेगा, तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ही हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर कि हमेशा बच्चों कभी भी दवाई खाने से, अगर आप लोगों को लगता है कहीं घूम कर थोड़ा बहुत चिल कर मतलब एक तरीके से कि बांह वगैरह लगाकर नहा धोकर एक्सरसाइज कर जैसे मिल्खा सिंह जी के बारे में मैंने पढ़ा था, जब भी उनको सर में दर्द होता था थोड़ा फीवर होता था वो कभी भी गोली नहीं लेते थे, वो सुबह उठकर रनिंग करने जाते थे और उनकी पूरी बॉडी सही। सेम काम मेरे साथ में होता है, जब मुझे हल्का सा नजला जुकाम होता है ना तो एक अच्छा सा जैसे मान लो एक जैसे नॉर्मल रेस कर ली वाली नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल रनिंग कर ली 3-4 किलोमीटर की, उस दिन अच्छे से थोड़ी हाई स्पीड में कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ो, पूरी बॉडी का पसीना निकलेगा और ये जुकाम नजला भी आप लोगों की बॉडी में से खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये खुद मैंने अपनी बॉडी में फील किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता सकता हूं यहां पर इसके बारे में। तो जो इंसान इनको इंप्लीमेंट करते हैं उसका देखने को मिलेगा। तो गोली से बचो, गोली से मैं बहुत ज्यादा बचता हूं, जब लगता है कि अब लेनी ही है तो ही जाकर गोली लेता हूं। अपना गला खराब हो गया थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है, गरारे कर लिया नमक के, ठीक है कुछ और सेक लिया उसको किसी भी तरीके से, ठीक है कुछ भी ऐसा काम करो कि गोली से बचो, क्योंकि आज के डेट में हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो और ज्यादा ऐसी होती जा रही है कि इसको एक तरीके कि एक अलग ही माहौल में हमारी बॉडी क्रिएट हो जा रही है, कल को बीमारी ऐसी हो जाएगी अगर कोई दवाई भी हम लोग लेंगे तो वो दवाई बेसिकली उसकी बीमारी पर काम नहीं करेंगी। बिल्कुल ऐसे ऐसे घरों में मच्छर हो जाते हैं, तो मच्छरों के ऊपर अगर आप लोग मोर्टिन लगाते हैं तो आज के डेट मोर्टिन कहते हैं कि हाँ इससे कुछ नहीं होने वाला है कुछ और लेके आओ, ठीक है तो वही बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो जेल तैयार किया गया यहाँ पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा, इसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली मैस्टिक जेल, ठीक है तो ये बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है आज के डेट में इन चीजों को सुधारने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर यहाँ पर इंडिजिनियसली डेवलप किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे देश में खुद हमने अपने आप खुद से हम लोगों ने बनाया इसको, ठीक है तो गर्व की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है तो इंप्रूव करेगा यहाँ पर उधर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है और रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो भी यहाँ पर सूजन वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आएंगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अभी हमारी कंट्री में ये हेल्प कर रहा है कई सारे एरिया में, खासकर मिजोरम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो मिजोरम हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। चलिए आप लोग बताइए मिजोरम को नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, देखता हूं ये कई बार कंफ्यूजन में रहते हो, आप लोग एक बार इसको याद कर लोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर 4.5 मिलियन का यहां पर अभी जो बेसिकली बोला गया प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग, तो इसके बारे में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अच्छी बात यहां पर यह कि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली लोन ले लेते हैं, तो लोन लेकर फिर क्या करते हैं इससे फायदा क्या होता है, लंबे समय के बाद हम लोग को उसको चुकाना पड़ता है और जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफी सस्ता रहता है, ठीक है तो इसके चलते हम लोग अच्छे से अपने एरिया में डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर ये इसी की हेल्प से यहाँ पर बनाया गया, और भी यहाँ पर मिजोरम में यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अर्बन मोबिलिटी को लेकर। अर्बन मोबिलिटी क्या होता है कि हम लोग क्या बेसिकली करेंगे इस तरीके से रोड सड़कें वगैरह बनाए वहां पर आराम से, और एक तरीके से जो नहीं एक तरीके से क्लाइमेट पर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना डालने वाली चीजों को हम लोग लेकर चले, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक काफी इंपॉर्टेंट जो मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों से डिस्कस की थी ये थी बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको बोलते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा क्या है, धोलावीरा एक ऐसी साइट थी जो कि पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी हमारी कंट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है आईवीसी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो गई थी। और ये आप लोगों को कच्छ जो एरिया है गुजरात में वहां पर देखने को मिलेगी, और इसको बेसिकली ये यहां पर खदरीबेट वाला ये पर्टिकुलर एरिया है KHADIRBET, ठीक है तो ये पर्टिकुलर एरिया गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली अभी यहां पर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया, ठीक है तो ये काफी इंपोर्टेंट है।
और इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी यहाँ पर गुजरात के अंदर, और तीन भी और साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी चंपनेर इन पावगढ़, इसी के साथ में रानी की वाव इन पटन, और पूरी की पूरी सिटी, ये देखिए एक तरीके से पूरी सिटी, जैसे आप लोगों को पता है ना राजस्थान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो जयपुर को पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया, इसी तरीके से अहमदाबाद एक काफी प्यारी सिटी है, इसको यहाँ पर इनके द्वारा पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया। और प्यारी सिटी किस लिए बोला, क्योंकि हिस्टोरिकल पार्ट है कई सारी चीजों का, आप लोगों ने देखा ना अहमदाबाद मिली स्ट्राइक जो महात्मा गांधी से रिलेटेड स्टार्टिंग के जो उनके सत्याग्रह चलाए गए थे, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, तो हिस्टोरिकली भी इसका काफी इंपोर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर चार साइट हैं गुजरात के अंदर में जिनमें से आप लोगों को देखने को मिलेगी, और अपने देश के अंदर टोटल मिलाकर 40 ऐसी आज की डेट में ये ऐसी साइट हो गई जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा। तो हरप्पा एरा सिटीज जो है उसमें से यहां पर इसको साइट का पार्ट बनाया गया, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो गया। अभी 39th नंबर पे एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई थी, उसका नाम आप लोगों को बता रहे हैं, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है, ठीक है, जो सही आंसर देगा उसको मिलेगा क्या मिलेगा बताइए, चलिए चॉकलेट दूं, बताइए कौन सी चॉकलेट पसंद है, एड्रेस बताना आप लोगों को, सबको चॉकलेट दूंगा जो जो अच्छे से आंसर देगा, ठीक है, चॉकलेट खाते रहना चाहिए, अच्छी होती है सेहत के लिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, मतलब चीजें खाते रहना चाहिए अपने हिसाब से जो भी सूटेबल लगे, तो जिंदगी को मीठा बनाते रहना चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, यहाँ पर डायरेक्ट एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है, और ऐसी न्यूज कई बार एग्जाम में पूछ भी ले जाती है, जब अपने देश का एक तरीके से कोई ऐसा रिलेशन हो बाहर के साथ में, हो कोई नाम चेंज कर दिया, कुछ ऐसी चीजें हुई, तो यहाँ पर बात की जा रही है अयोध्या के बारे में, और अयोध्या तो आप लोगों को वैसे ही पता है कितना ज्यादा फेमस आज के डेट में, कितना ज्यादा न्यूज में रहता है, तो उसी के चलते ये जो न्यूज निकल के यहाँ पर आ रही है ये है बेसिकली सरयू के बारे में। ये सरयू यहाँ पर एक रिवर है, तो सरयू रिवर के किनारे पर यहाँ पर एक राम कथा बेसिकली पार्क था, ठीक है, तो राम कथा पार्क जो था उसका नाम चेंज करके अभी कर दिया गया यहाँ पर, ये इसका नाम रखा गया क्वीन हियो ह्वांग ओके ये मेमोरियल। ये आखिर क्यों इसका नाम रखा गया, क्या सुनने में तो इंडियन नाम नहीं लग रहा, फिर इन्होंने इसका नाम ये क्यों रख दिया, ये बेसिकली इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो रानी थी ये माना जाता है कि इंडियन मूल की रानी थी, यानी कि हमारे देश से रिलेट करती थी, पर लेकिन इनकी जो शादी हो गई वो साउथ कोरिया के राजा से इनकी शादी हुई थी, और वो कैसे हुई, इनके पिता श्री को सपना आया कि उनके बेटी की शादी जो है साउथ कोरिया के किसी राजा से हो रही है, तो यहाँ पर उस टाइम पर फिर इनको वहां पर भेजा, तो यहाँ पर इनकी शादी इनके साथ में हुई, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर बेसिकली इस पार्क का नाम जो है वो चेंज कर इनके नाम पर रखा गया है। तो नॉर्मली क्या होता था, किसी बाहर की कंट्री के रिलेशन में हमारी कंट्री का कोई नाम हुआ करता था तो उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा अंडमान निकोबार पर कई सारी चीजों के नाम चेंज किए हैं, पर लेकिन अभी यहाँ पर किसी बाहर की कंट्री का नाम दे देना ये थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। और कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, पगोडा के बारे में बताया था ना मैंने, तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो ये पगोडा भी यहाँ पर बेसिकली माना था कि इंडिया से लेकर वहां पर गई थी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में था, तो ट्रेवल किया गया था इनसे यहाँ पर राजा से शादी करने के लिए, तो ये बेसिक चीजें जो कि काफी इंपोर्टेंट थी इनके बारे में आइडिया रखना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज थी इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। अभी क्या हुआ है, बेसिकली हमारी कंट्री के द्वारा यूएसए से ऐसी डिफेंस की ये न्यूज ना मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी और आगे थोड़ा सा, इंडिया और यूएसए और रशिया के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी यहां पर MK-54 टॉरपेडो के बारे में आप लोग याद रखेगा, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी कंट्री के द्वारा अभी साइन की गई यूएसए के साथ में डील इनको खरीदने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि यहां पर आप लोग कनेक्ट रख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट बेसिकली समिट के बारे में, ये कि 6th एनुअल समिट थी, ये जो 6th एनुअल समिट थी ये किसकी थी, AIIB की थी, ठीक है, तो एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ठीक है, क्या बोला, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा, ये जो बैंक है अभी इसकी 6वीं मीटिंग हुई, तो इस 6वीं मीटिंग में बेसिकली यहाँ पर कुछ बातें की गई इन कंट्रीज के द्वारा, तो सारी बातें एक तो बैकग्राउंड में क्या रहेगा, कोविड-19 की, कोविड-19 को टैकल करना है, नॉर्मल सी बात है भाई साहब, टैकल करना पड़ेगा, वो सबको टैकल कर देगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। अभी बोला जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, इसी के साथ में क्वालिटी के बारे में बात करें तो रीजनल लेवल पर क्या क्या ऑपरेशन चलाने, कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी साथ में लेकर इनके द्वारा चीजों को आगे लेकर चलने की बात की गई। कुछ बेसिक बातें अगर मैं आप लोगों से करूं यहां पर, तो याद रखिएगा टोटल मिलाकर इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर जो थे वो 57 थे, पर लेकिन आज की डेट में यहां पर मेला लगने लगा है तो 102 मेंबर यहां पर जुड़ गए हैं आकर, ठीक है, तो यहां पर टोटल मिलाकर अगर बात करें तो ये काफी इंपोर्टेंट एक बैंक हो जाता है, खासकर अगर बात करें एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है ढांचागत विकास, तो ढांचागत विकास करने के बारे में इनके द्वारा बात की जा रही है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है कि हमारी कंट्री जो है वो 2nd नंबर पर है यहाँ पर, पहले नंबर पर चाइना जो कि शेयर होल्डिंग में यहाँ पर अपने पार्ट रखती है, ठीक है, हमारी कंट्री 2nd नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि 7.62 वोटिंग शेयर आप लोगों को हमारी कंट्री के देखने को मिलेंगे, तो इसलिए भी काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं।
और भी कई सारे प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में चलाए गए, जैसे कि बेंगलोर मेट्रो के बारे में आप लोग बात करते हैं, गुजरात रोड रूरल जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारी कंट्री में यहाँ पर चलाए गए। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये, सबसे ज्यादा लोन जो यहाँ पर मिला है वो मिला है इंडिया को, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोन मिला है तुर्की को। तो ये एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग न्यूज मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, यहाँ पर उड़ियन मंत्रालय की साइड से निकल कर आई थी, जिसे मैंने आप लोगों से कई सारी बातें डिस्कस की थी। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि हमारी कंट्री में अभी यूज किया जा रहा है ड्रोन वगैरह को, तो ड्रोन वगैरह को जो यूज किया जा रहा है इसको नॉर्मली देखिए, यहाँ पर जब हम लोग यूज करते हैं तो तीन तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं यहाँ पर विजुअल, जो लाइट ऑफ साइट है, जहां तक चीजें आप लोगों को दिख रही है, मैं उड़ा रहा हूँ ड्रोन और यहाँ से ड्रोन के शॉट ले रहा हूँ, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर चला गया, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी कि यहां तक भी मुझे दिखने को मिल रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया। इसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी कि यहां से हम लोग को दिखना ही बंद हो गया, ठीक है। तो उस लेवल पर ड्रोन को उगाना, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली अलाउ कर रखा था, पर लेकिन अभी इसके लेवल पर भी हम लोग चीजों को अलाउड कर रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कोई कंफ्यूजन आप लोग को इसके रिलेटेड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर बोला गया फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर टुवर्ड अलाउइंग द बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। तो इसी के चलते यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, और यहाँ पर बेसिकली जो एयर स्पेस रहेगा अप्रोक्सीमेट 1000 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप बोल सकते हैं। और काम क्या क्या करेगा, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोविड-19 से रिलेटेड हम लोग जो दवाइयां हैं उसको डिलीवर करने का काम करेगा। अभी अमेजन वगैरह के द्वारा और भी कई सारी ऐसी ये ई कॉमर्स साइट है, इनके द्वारा कोशिश की गई कि कैसे हम लोग चीजों को लोगों तक प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट था, ठीक है। तो उसके चलते भी काफी ज्यादा न्यूज में था, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आइडिया रखेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों का बन जाता है, ये मैंने डिस्कस किया था आईएमडी के बारे में। तो आईएमडी क्या है बेसिकली, इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आईएमडी के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं आज के डेट में, तो आईएमडी के द्वारा ये बोला गया कि जो नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पर समझाया था हमारी कंट्री में जो नॉर्मल मानसून होता है वो कहां से आता है, वो आता है बेसिकली साउथ वेस्ट से। तो साउथ वेस्ट मानसून हमारी कंट्री में ये जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में आप लोगों को देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो यहां से निकल कर आती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बारिश आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, पर लेकिन हमारी कंट्री में अगर तमिलनाडु के अंदर आप लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो किससे होती है, वो होती है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। तो ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट की साइड से सबसे ज्यादा बारिश होती है तमिलनाडु के अंदर में, इसलिए तमिलनाडु के अंदर बड़ा ही डिफरेंट सा वेजिटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर में। तो सबसे ज्यादा बारिश तो लगभग 75% कहां से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट की साइड से हमारी कंट्री में ये अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक बारिश देखने को मिलती है। तो तमिलनाडु वाले रीजन में खासकर जो मैंने आप लोगों से बात की, तो याद रखिए क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कई बार, ठीक है। तो ये आप लोगों से एक मिनट इसके बारे में हल्का सा मैं आप लोगों को स्लाइड दिखाता हूँ, ठीक है, तब आप लोग समझ पाएंगे। 48% के करीब जो बारिश होती है आजकल बात करें तमिलनाडु में, और बाकी इसके पांडिचेरी कराईकल यनम ये कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, या कर्नाटक में ही लक्षद्वीप, तो इससे बारिश होती है, तो इसी के चलते काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एक और इंपोर्टेंट पोजिशन मैंने आप लोग से डिस्कस की थी यहाँ पर, ये क्या था, ये था बेसिकली इंपोर्टेंट लोकेशन बहरीन के बारे में, ठीक है। तो बहरीन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, एशिया के बारे में अगर बात करें बहरीन जो है वो यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है। दो कंट्री के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, उनमें सबसे छोटी कंट्री आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ये देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगी मालदीव, और दूसरी आप लोगों को देखने को मिलेगी सिंगापुर। तो जो बहरीन है यहाँ पर बेसिकली तीसरी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, और जो बहरीन का जो शब्द है यहाँ पर ये निकाल कर आ गया, और जो यहाँ पर अरब टर्म है जिसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली बहरन, ठीक है, बहरान, ये इसका देखने को मिलता है 2 सी, यानी कि 2 समुद्र, तो यहां से इसको निकाल कर लाया गया। तो पर्शियन गल्फ के अंदर आप लोगों को ये कंट्री देखने को मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से अगर बन जाए कि मैपिंग इंडिया क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया, किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो यहाँ पर काउंसिल ऑन, ये बेसिकली काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के द्वारा यहाँ पर इसको तैयार किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, जो इंडेक्स है इसमें लगभग 640 के करीब डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 27 इंडियन जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर, उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये आज के में हमारी कंट्री में ये इसकी वजह से अफेक्टेड है, और लगभग 80% इंडियन की जो लाइफ है वो यहाँ पर मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, और 60% यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो मीडियम कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलते हैं।
तो यानी कि अभी यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आप लोग को देखने को मिली, सीओ टू नहीं है, ठीक है, सीओ टू नहीं, सीओपी, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुई यहां पर, जो हुई क्या, अभी चल रही है, अभी कहां चली गई, ठीक है। वो नहीं कहता है, वो कहता है वो मूवी कौन सी रहती है, उसको बार बार गोली मारते, कह रहे नहीं अभी हम जिंदा है, ठीक है। तो ये बात है, तो अभी यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिंदा है, अभी कहीं नहीं गई है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो चीजों को आगे लेकर चले, तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट के मैटर को कैसे सुधारना है, सुलझाना है, तो ये सारी बातें देखने को मिलती है, ठीक है। ये आगे बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप लोग WMO बोलते हैं, उसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन करके यहाँ पर बेसिकली प्रस्तुत किए गए। तो उसमें इनके द्वारा बताया गया क्या क्या कंडीशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा जो अबंडेंस मात्रा में आज के डेट में देखने को मिलती है, जिसके ऊपर सब पड़े ना, वो कहते हैं नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कई सारे लोग हैं उनकी समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मेथेन को भी लपेट लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत हरकतें कर रही है, तो इसको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो अभी यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन WMO है, उसी का पार्ट हमारी कंट्री में बेसिकली देखने को मिलता है IMD, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि नशे की हालत में रहता है, कई बार अच्छे से बातें नहीं बताता हम लोगों को, बताता कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है। पर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखना, ठीक है। तो WMO के द्वारा रिलीज किया जाता है यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड इन साइंस 2021। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और WMO जो है ये ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये अभी फोकस कर रहा है कि कैसे हम लोग को की ग्रीन हाउस गैस वगैरह को हम लोग को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, वैसे तो ये न्यूज मैंने डिटेल में डिस्कस की थी पेगासस वायरस के बारे में, पर लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि इसकी कमेटी के चेयरमैन कौन है, ठीक है। अभी यहाँ पर पेगासस वायरस की कमेटी के बारे में अगर बात करें तो याद रखेगा यहाँ पर इस कमेटी के जो चेयरमैन है यहाँ पर रविंद्रन, ठीक है। तो जस्टिस रविंद्रन है यहाँ पर जो पेगासस कमेटी के बारे में अगर आप लोग याद रखते हैं इसके बारे में, तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसके लिए यहाँ पर बोला गया कि आप लोग इस कमेटी के बारे में कमेटी ध्यान रखेगी कि कैसे पेगासस वायरस जो है वो काम करता है, ठीक है। कमेटी के बारे में ध्यान रखना, कमेटी ध्यान रखेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा आप लोगों से मैं डिस्कस करता रहता हूं, और अभी यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन गया राइट टू प्राइवेसी के बारे में। तो जब से राइट टू प्राइवेसी आया तब से पेगासस के ऊपर और ज्यादा तलवारें लटक गई, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी हमारी कंट्री में आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है, और जब फंडामेंटल राइट इसको बना दिया गया तो कोई भी आप लोगों की प्राइवेसी के अंदर नहीं घुस सकता। तो कोई भी आप लोगों की प्राइवेसी के अंदर नहीं घुस सकता, कोई भी आप लोग कोई सामान भी टच कर रहा है तो वो भी गलत है, प्राइवेसी के अंदर आता है वो भी आप लोगों का, यानी कि आप लोग किसी को भी कोई भी सामान टच नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि मेरा प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट सामान है मेरा, ठीक है, तो कोई इसको टच नहीं करे। तो केस मुत्तस्वामी केस ने आप लोगों को हक दे दिया कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो तब से लेकर हर एक इंसान की कोई पर्सनल लाइफ में अगर घुसने की कोशिश कर रहा है तो इंसान जो है वो बेसिकली कोर्ट के अंदर चला जा रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है इंसान, ठीक है। तो हर एक इंसान को हक है अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पर्सनल चीजों को रखने का। तो आप लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, कोई उसके अंदर इंटरफेयर करता है तो आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, उस इंसान को आप लोग जेल में फेंक सकते हैं ले जाकर। तो ये ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी की कैटेगरी में आ चुका है। और आपकी राइट टू प्राइवेसी इंटरेस्टिंग बात है क्या, जब आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू प्राइवेसी जो है राइट टू लाइफ के साथ में आती है, जिस दिन तुम पैदा होते हैं ना तब से आप लोग की प्राइवेसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप लोग समझिए, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर लगी मुझे, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। आगे बात करते हैं उड़े देश का आम नागरिक, जिसको उड़ान बोलते हैं। तो उड़ान जो है बेसिकली हमारी कंट्री में एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की साइड से आती है। उड़ान का मतलब है कि उड़े देश का आम नागरिक। अब इसमें के और जोड़ दिया, के का मतलब कृषि, तो कृषि से यहां पर और चीजें आगे बढ़ गई। तो यहां पर कृषि उड़ान बेसिकली इसको बना दिया गया, तो ये काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो 53 नए एयरपोर्ट अभी ऐड किए गए हैं ट्राइबल एरिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया को कनेक्ट करने के लिए, वो आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर के कई सारे प्रोडक्ट भी अब यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो कि याद रखिएगा। एक स्कीम मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी प्रधानमंत्री जन औषधि, ये बेसिकली परियोजना के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी जन औषधि कंपेन के थ्रू यहाँ पर 2015-16 में। तो इसी के चलते आगे चल रही है, और इंप्लीमेंट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जेनरिक दवाइयाँ प्रोवाइड कराती हैं, और जेनरिक दवाई वो होती हैं जिनको स्टैंडर्ड दवाई का सोल्ट यूज करके जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उनको जेनरिक दवाई बोलते हैं नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो। तो ये जो है जेनरिक दवाई बेसिकली एक तरीके से सस्ती आती है जो लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से और पूछे थे, जैसे ब्रिक जो है ये शब्द किसके द्वारा कॉइन किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना था, तो बताइए किसके द्वारा कॉइन किया गया था, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से पूछा था कि यहाँ पर बेसिकली जो व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था जो काफी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में आप लोगों को बताना था।
नेक्स्ट मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है वो प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर। तो अभी रिसेंटली विवेक डिब्रॉय साहब जो हैं उनकी अध्यक्षता में 2 साल के लिए यहाँ पर बेसिकली अभी यहाँ पर आफ्टर जो यहाँ पर 2 ईयर आफ्टर यहाँ पर जो टर्म है बेसिकली इसको यहाँ पर जो एंड हो गया था तो उसके चलते अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एडवाइजर जो काउंसिल होती है प्राइम मिनिस्टर की काफी इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने का काम करती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं इकोनॉमिक मैटर में और भी कई सारे मैटर होते हैं। तो ये काफी एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। हंगर रिपोर्ट के बारे में आप लोग से डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन तो पहले तो ये बनता है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO आप लोग बोलते हैं, ये कोलैबोरेट करता है बेसिकली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में और इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिनके अंदर काफी भुखमरी देखने को मिलती है, इथियोपिया, मेडागास्कर, सुडान, ये सारी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये वो कंट्री है जहां पर आप लोग काफी कुछ यहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, पेंडेमिक के चलते चीजें और ज्यादा खराब हो गई हैं, तो आप लोग इसके बारे में रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी वजह से भी ये न्यूज में है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, किसके द्वारा ये यहाँ पर किताब लिखी गई है और रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछा भी गया, आप लोगों ने देखा होगा, और किस सन में ये लिखी गई थी किताब, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया था। एक और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था काफी डिटेल में, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैच करने थे 52nd, 73, 61 और 86, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अलग अलग भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ मैंने आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट जो डे डिस्कस किया था उसके साथ में एक टॉपिक भी डिस्कस किया था वर्ल्ड सुनामी डे के बारे में, तो इसकी थीम के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था सेंडाई 7 के बारे में। तो ये जो कंपेन यहां पर चलाया गया था इसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मैंने मैच किया था। तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था बेसिकली, ये डिजास्टर को कैसे आप लोगों को रिस्क को मैनेज करना है उसको सेंडाई फ्रेमवर्क बोलते हैं, और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन के मेंबर के द्वारा 18 मार्च 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था जब थर्ड यूएन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेंडाई, ये यहां पर कहां है, जापान के अंदर चली, उसके नाम पर इसका नाम यहां पर रखा गया। तो 2015 से लेकर 2030 तक का इनका टारगेट है कि कैसे डिजास्टर को इनके द्वारा मैनेज करना है, और बिल्कुल ऐसे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी यही टारगेट है कि कैसे इनको बेसिकली भुखमरी, ये बेसिकली हंगर, पॉवर्टी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनको कंट्रोल करना है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, यहां से भी आप लोगों के लिए बेसिकली कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने बात की थी यहां पर हमारी सोसाइटी में जो भी ऐसे लोग हैं जिनको जो चल नहीं पाते हैं, ये देख नहीं पाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, उसके चलते पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन यहां पर एक स्कीम स्टार्ट की गई, और उसमें असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन ये वैसे पंजाब की नहीं है, इनके द्वारा तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है यहां पर एक सामाजिक अधिकारिता शिविर, तो यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगा, यहां पर ये आती है ADIP के अंदर, यानी कि असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन स्कीम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आती है, 1981 में यहां पर बेसिकली स्टार्ट किया गया था। तो इसके चलते मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो डिस्कस किया था आप लोगों से पॉलिटी का आर्टिकल 41 के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 41 है वो बेसिकली बात करता है कि जिनको काम नहीं मिला उनको काम दे दो, ठीक है, जिनको एजुकेशन नहीं मिला उनको एजुकेशन दे दो, ठीक है, जिनको पब्लिक असिस्टेंस नहीं मिला उनको, अनएम्प्लॉयड पर्सन है जो उनको, तो उनको पब्लिक असिस्टेंस दे दो, जो ओल्ड एज पर्सन हो चुके हैं, जो सिक हो चुके हैं, जो डिसेबल हो चुके हैं एक तरीके से, उनको कैसे इकोनॉमी में अंदर लेकर हम लोग आ सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे, ठीक है, देश का विकास होता रहे, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर ये, तो उसी के लिए भी हम लोग यहाँ पर बेसिकली काम करते हैं, ये हम काम नहीं करते हैं, हमारा संविधान बोलता है काम करने के लिए, ठीक है, कि हम लोग को काम करना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और ये आर्टिकल 41 में बोला गया, और यहीं से निकल कर आता है बेसिकली DPSP का आर्टिकल 41, जिसके चलते यहाँ पर बोलते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर, तो 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ट्रा लिस्ट, तो यहां पर स्टेट लिस्ट में रखा गया कि भाई साहब हमारी कंट्री में रिलीफ वगैरह डिसेबल और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है ना उनको रिलीफ प्रोवाइड कराना है, ठीक है, ताकि उनकी जिंदगी चलती रहे, ठीक है, उनको कोई दिक्कत ना देखने को मिले, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की नहीं है, ये स्टेट की है, ठीक है, तो स्टेट में जो जो भी चीफ मिनिस्टर है उनके जाके कॉलर पकड़ो कि भाई साहब हमको जॉब नहीं मिली है तो कहां से जॉब आएगी, ठीक है, जैसे सारे गुणगान करते फिर ना, बहुत सारी जॉब दे दी हम लोगों ने, तो कहां है जॉब बताओ तो सही, तो उसके बारे में पूछो जाकर उनसे, तो बताएंगे कहां है जॉब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये हुई जब मूसलाधार बारिश केरला के अंदर में, तो उस टाइम पर केरला को एक जगह, केरला जग गया कि यार अब तो यहां पर हमारे यहाँ एक डैम है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम, तो अगर ये डैम टूट गया तो बहुत सारे लोगों को ले डूबेगा, ठीक है, तो नहीं हम तो मरेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो वाली बात सामने निकल कर आई, तो केरला जो है वो तुरंत पहुंच गया कोर्ट के अंदर में कि भाई साहब बचाओ, क्यों, क्योंकि यहां पर तमिलनाडु चाहता है कि डैम का जो लेवल है वो काफी अच्छा खासा ऊपर रहे, अच्छा खासा कितना, पहले आप लोग डैम देखिए फिर आप लोग अच्छे खासे के बारे में बात करूंगा, ठीक है,
तो यहाँ पर ये देखिए, ये डैम बिल्कुल यहाँ पर है केरला के और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो तमिलनाडु चाहते हैं इसका जो लेवल है वो 142 रहे, ठीक है, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट लेवल 142 ही है। केरला चाहता है कि इसका लेवल जो है वो 137 रहे, क्योंकि इसके इसके ज्यादा अगर लेवल बढ़ता है तो दिक्कतें देखने को मिलने लगती है यहाँ पर। तो उसी के चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है, तो अभी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, तो मुल्ला और पेरियार जो रिवर का जो संगम है वहां पर ये बनाया जाता है, और पेरियार रिवर मेन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसी के नाम पे पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केरला के अंदर है ये डैम बांध, केरला के अंदर में, पर लेकिन मैनेज करता है इसको तमिलनाडु, तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में हो जाता है। तो तमिलनाडु को एक तरीके से काफी सारे एरिया में पानी मिलता है, जिसकी वजह से इसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग याद रख सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी ब्रह्मपुत्र टनल के बारे में, तो ये याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, जो कि बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा अंडरवाटर टनल था जो कि आसाम को किसके साथ में जोड़ रहा था, ये आसाम को अरुणाचल प्रदेश के साथ में यहाँ पर जोड़ रहा था। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, और ये नेशनल हाईवे 54 और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली नेशनल हाईवे 37 आप लोगों को देखने को मिलता था, जो कि यहाँ पर इसके द्वारा कनेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो यूएसए बेस्ड जो कंपनी है उसके द्वारा हेल्प की गई थी इसको बनाने में। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो बताना था आप लोग कौन कौन सी लेयर जो है वो अगर एक तरीके से पृथ्वी से ऊपर आप लोग बढ़ते हैं तो कौन कौन सी है, तो पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया था। और बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया था वो इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। इंडिया, यूएसए, इंडिया और रशिया, ये तीन तिगड़म मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है अभी यहाँ पर दिक्कत में आ गए जब हम लोगों ने S-400 सिस्टम खरीदा रशिया से, जो कि अभी डिलीवर होने वाला है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये बन गई कि ये जो रिलेशन है यहाँ पर जो अभी यहाँ पर सामने निकल कर आए, तो यूएसए जो है वो चाह रहा है कि हम लोग रशिया से ये नहीं खरीदे, तो इसके चलते यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो कार्ड्स को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली कार्डसा क्या होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये सैंक्शन लगा सकते हैं, पर लेकिन इनके भी कुछ प्रतिबंध है। हमारे देश के ऊपर दो तरीके सैंक्शन लगा सकते हैं ओनली, एक तो पैसा यूज नहीं करने देंगे अपना, और दूसरा हमसे जो चीजें कर रहे हैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर ये सैंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमको वेवर देने की बात कर रहे हैं कि छूट मिल जाए इंडिया को, उसके बारे में बात की जा रही है। अब हम लोग यहाँ पर क्यों इतनी दिक्कतें होने के बाद भी रशिया से सामान खरीदते हैं, तो उसका बेसिक पर्पज है यहाँ पर ये, हमारी कंट्री में 62% के करीब हमारा जो इंपोर्ट है वो यहीं से ही होता है, इनके ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। इसी के साथ में बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में, आर्मी के बारे में बात करें या फिर आप लोग एयरफोर्स के बारे में बात करें या फिर आप लोग नेवी के बारे में बात करें, मिसाइल के बारे में बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करें, तो बहुत कुछ हम लोगों ने खरीदा है बेसिकली रशिया से, ठीक है। तो इसीलिए हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है रशिया, तो हम लोग उसको गुस्सा नहीं दिला सकते, तो इसलिए इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था जो था यहाँ पर भासनचार आइलैंड के बारे में। तो भासनचार आइलैंड जो था ये काफी इंपोर्टेंट आइलैंड था यहाँ पर, जहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी को बसाने की बात की जा रही है, किसके द्वारा, ये बांग्लादेश के द्वारा, तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में आ गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो इससे चलते आप लोग बेसिकली लोकेशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके ऊपर है ये भी मैंने आप लोग को डिटेल में बताया था यहाँ पर, ये तो इसको आप लोग ये वाला मैप आप लोग देखिए, बेसिकली यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग को देखने को मिलेगी, ओके। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मेघना रिवर आप लोगों को याद रखना है, जो कि कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है, इस तरीके से घर वगैरह यहाँ पर ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था एक बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा, हालांकि मैंने दो इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किए थे यहाँ पर, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन द एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। 7 को सेलिब्रेट किया गया, इसी के साथ में नेशनल कैंसर डे के बारे में तो कई सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, ये भी हम लोगों ने 7 तारीख को सेलिब्रेट किया था, ठीक है। आगे मैंने आप लोगों से और क्या क्या डिस्कस किया था, ये सारी लेयर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर याद रखना, ओजोन लेयर यहां पर इनके बीच में देखने को मिलती है, यहां पर एरोप्लेन वगैरह उड़ाया जाता है, और कर्मन लाइन कहां पर सैटेलाइट होता है, कहां पर मेट्रोइड्स होता है और कहां पर स्पेसशिप, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, ठीक है। तो आंसर इनके आप लोगों को बताने, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर ये पोर्टियन एंड ब्रिटिश रूल, तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर था इसका, ठीक है। तो चलिए ये तो बता ही देता हूँ ये वाला आंसर याद रखना, ये तो आप लोगों से ही पूछना है बेसिकली, आप लोग इसका आंसर दीजिए, मैच करके बताइए कौन सा होता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86th, ये तो राइट टू एजुकेशन के बारे में हो गया, ठीक है। 73rd पंचायत के बारे में हो गया, ठीक है। 61 ये हो गया बेसिकली कैसे रिड्यूस करनी है, ठीक है। और यहाँ पर 52 हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, ये इसके बारे में, ठीक है। अब आंसर देख लेना यार कौन सा है, ओके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातें होती हैं यार, इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर ये ब्रिक के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा गया था कौन है, तो जिम ओ'नेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे,
और हमारी कंट्री की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक थी वो 94 थी, अब की बार 2021 में क्या है ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों से 2020 की डिस्कस की थी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक डे मैंने और डिस्कस किया था इसको, बेसिकली विश्व शाकाहारी दिवस के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों में से कौन कौन शाकाहारी बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ए हो गया टैक्स के बारे में। तो आर्टिकल 280 याद रखिएगा, ठीक है, जो टैक्स शेयर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलती है क्योंकि ये पूरे वीक का रिवीजन होता है, ऑलरेडी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका होता हूं, तो इसकी पीडीएफ का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी रिमेनिंग पीडीएफ है वो सारी आप लोगों को बेसिकली कल शाम तक सारी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करना, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।